हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग क्लास। टुडे वी डिस्कस अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 रीड नंबर 2। टाइटल इज पालमपुर री इवेंट हम्बल वॉच। तो उसके अंदर ये जो हम्बल वॉच उसने रीइन्वेंट की है और उसका नाम जो पालमपुर का जो प्रणब मिस्त्री जो पर्सन है यानी ये पालमपुर का है जिसने अपनी स्टडी के बाद अपनी स्टडी पूरा करने के बाद उसने हम्बल वॉच ऐसी एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वॉच उसने फाइंड आउट किया। तो या फिर जो उसने बताया कि उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। प्रणव मिस्त्री नेटिव ऑफ पालमपुर नॉर्थ गुजरात शो केस द इम्पॉसिबली फ्यूचरिस्टिक वॉच गियर टू द वर्ल्ड। तो उसने जो फ्यूचरिस्टिक जो वॉच जो उसने फाइंड आउट की थी, जो उसने इन्वेंट की थी, उस वॉच का नाम जो था वो यहाँ पे कि उस वॉच के अंदर ये जो भी राइटर है वो उसने यहाँ पे बताया। तो प्रणव मिस्त्री जो था वो वॉच को गियर नाम से उसको बताया। मिस्त्री इज द हेड ऑफ द थिंक टैंक टीम सैमसंग रिसर्च अमेरिका। वो सैमसंग रिसर्च अमेरिका का जो जगह थी उसी जगह पे वो थिंक टैंक टीम जो थे उसका वो हेड है। हु हैज डिजाइन द डिजिटल वॉच दैट लेट्स यू चेक मैसेज विद द ग्लास और मेक कन्वर्सेशन सेवन स्टाइल। ओके, तो उसके अंदर उसने एक डिजिटल वॉच उसने बनाया है डिजाइन की कि जिसके अंदर हम मैसेज को चेक कर पाते हैं मेक कन्वर्सेशन सेवन स्टाइल। डिफरेंट स्टाइल में उस वॉच के अंदर हम उस मैसेज को हम देख पाए। वैसे ही उसने जो डिजिटल वॉच है उसने बनाई है उसी डिजिटल वॉच के अंदर ये सब बात प्रणव मिस्त्री बता रहे। विथ गियर यू आर एबल टू मेक कॉल्स एंड रिसीव कॉल्स विदाउट इवन टेकिंग योर फोन आउट ऑफ योर पॉकेट से प्रणव मिस्त्री। तो उसने एक ऐसी डिजिटल वॉच और उसने ऐसे एक डिजिटल जो मोबाइल होगा वो उसने जो उसने माइक्रोफोन उसने बना दिया कि विदाउट टच योर मोबाइल यू कैन रिसीव योर कॉल। ओके, तो आपको मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है पॉकेट में से और वैसे भी आप उसके अंदर से हम बात कर सकते हैं यानी कान में जो आप लगाते हैं कि जो उसके थ्रू हम उसी मोबाइल में से उस वॉच और उस डिजिटल वॉच और ये जो डिजिटल जो उसने जो भी प्रोडक्ट उसने बनाए थे उससे थ्रू वो बनाते हैं। और ये जो बात उसने बोली थी प्रणव मिस्त्री व्हेन इट वाज अबाउट 11 ही यूज टू से हूँ मोटो थी बहु नाम कमाइस। तो जब ये जो प्रणव मिस्त्री वो अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि एट द एज ऑफ 11 से दैट हूँ मोटो थी बहु नाम कमाइस। ये जो सेंटेंस जो है वो प्रणव मिस्त्री बोलते हैं अपनी 11 साल की उम्र में। When I grow up, I will earn a lot of cash. ये जो गुजराती में उसने बोला तो ये जो सेंटेंस जो था वो इंग्लिश में वो जो ब्रैकेट में लिखा है कि तो ये जो प्रणव मिस्त्री जो था वो गुजरात का था, गुजरात का जो पालमपुर जो है नॉर्थ गुजरात की साइड वहाँ पे जो पालमपुर करके जो प्लेस है जो सिटी है वहाँ पे उस पालमपुर का वो स्टूडेंट सेम इज बादल के ट्रेवर
We never know it will be soon, so soon. Pranav was like any other child, but if I could power him to the first rank in every academic year, he spent a week Lakshya Vidyaman in Pala. तो ये जो स्टूडेंट है उसका जो आई क्यू पावर जो था वो बहुत ही हाई था, यानी उसका जो आई क्यू पावर जो था वो कॉम्बिनेशन, तो उसका जो आई क्यू पावर जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत ही ज्यादा था, और उसका फर्स्ट रैंक में वो आता था। उसकी स्कूल का नाम यहाँ पे बताए विविध लक्ष्य विद्या मंदिर पालमपुर, जहाँ पे उसकी अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन और हाई स्कूल का जो एजुकेशन जो उसने लिया है वो वहाँ से उसने पूरा विविध लक्ष्य विद्या मंदिर से उसने उसने स्टडी किया। ही वॉज गुड इन एवरी एक्टिविटी, बी इट स्टडी म्यूजिक, ही सिंग और स्पोर्ट, प्ले बैडमिंटन, सेट द प्राउड फादर। तो उसके फादर जो था इसके फादर ये जो फादर प्रणव मिश्री जो थे, प्रणव मिश्री के फादर जो था उसके फादर ने उसने क्या बोला था कि ये जो प्राउड फादर जो थे वो ये सब बात बताते कि मेरा जो बच्चा है वो स्टडी में भी एक्टिव है, म्यूजिक के अंदर भी एक्टिव है, वो सॉन्ग भी गाता है और स्पोर्ट के अंदर जो गेम है बैडमिंटन के जो गेम है वो बैडमिंटन भी है स्टूडेंट खेलता है। स्टडी इन हिज मदर टंग क्या थी गुजरात, तो उसने अपनी मातृभाषा में उसने अपना जो स्टडी जो उसने किया वो अपनी मदर टंग में। And later joined Nirma University Ahmedabad for his BE in computer engineering. उसने Bachelor of Engineering BE का मतलब होता है Bachelor of Engineering, उसने कंप्यूटर के अंदर उसने अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट किया और वो इंजीनियरिंग उसने काफी किया अहमदाबाद के अंदर जो Nirma University है उसी के अंदर उसने अपना जो एजुकेशन जो उसने अपना ग्रेजुएशन उसने स्टार्ट किया। He went on to complete his post graduation industrial design from IIT Bombay. और उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए IIT Bombay वहाँ से उसने अपनी इंजीनियरिंग का उसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो वहाँ पे उसने कम्प्लीट किया। Which earned him a job with Microsoft in Hyderabad and President Award from APJ Abdul Kalam. और उसके बाद उसने अपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो थी हैदराबाद के अंदर उसी कंपनी के अंदर उसने अपनी जॉब स्टार्ट और उस जॉब स्टार्ट करते करते उसने अपने प्रेसिडेंट के हाथों से उसने अपना ये जो अवार्ड जो था वो अवार्ड उसने एक्सेप्ट किया। ओके, फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम, यानी हमारे जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो थे, सॉरी प्रेसिडेंट जो थे, उस प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, उस अब्दुल कलाम के हाथों से उसने ये जो प्रेसिडेंट का जो अवार्ड उसको मिला था, उस अवार्ड में उसको मिला था। He said, from my engineering in computer science to my master, I work in various fields like interaction design, robotics, computer graphics, HCI, AI, information graphics, embedded system or social computing and the list goes on. तो ये जो अपना जो इंजीनियर की वो बात करें कि उसने जो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो उसने अपना जो मास्टर जो किया और उस मास्टर करने के बाद उसने वेरियस फील्ड उसने चूज किया, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फील्ड होता है उस स्किल के अंदर उसने अपना ये जो वर्क जो उसने कंप्लीट किया, इसके अंदर इंटरेक्शन डिजाइन के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, एससीआई का मतलब ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी
मानव और कंप्यूटर बीच के बीच में जो भी कन्वर्सेशन जो होता है, इंटरेक्शन जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, उसके बारे में उसने भी रिसर्च किया है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो आर्टिफिशियल जो होता है उसकी इंटेलिजेंस के बारे में उसने रोबोटिक्स जो होते हैं वो भी उसने डिजाइन किया है। इंफॉर्मेशन जो ग्राफिक्स होता है उसके अंदर भी उसने ये सब बात की। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड समथिंग होता है फिक्स इन समथिंग, यानी किसी चीज के ऊपर उस बात को फिक्स किया जाता है उसके बारे में ये जो ग्रनोमिस्ट्री है वो भी उसने रिसर्च किया है। और लास्ट जो होता है सोशल कंप्यूटिंग, सामाजिक कंप्यूटिंग जो होती है उसके बारे में उसने ये सब किया है। I explored the field with different projects and research paper. उसने रिसर्च किया, सर्च किया, एक्सप्लोर का मतलब होता है सर, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर, डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, हियर आर सम ऑफ माय प्रोजेक्ट इन पे। तो यहाँ पे उसने थोड़े से प्रोजेक्ट उसने यहाँ पे बताया। तो ये जो स्टोरी जो थी पलकल ऑफ यूथ रीइन्वेंट द हम्बल वॉच, तो उसके अंदर ये जो पर्सन जो था, ये जो स्टूडेंट था प्रणव, उसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा जो इनोवेशन जो किया है, इनोवेशन जो किया है, जो रीइन्वेंट द हम्बल वॉच, उस वॉच के बारे में उसने बताया। और उसके बाद जो आगे का जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो उसने जो सर्च की है, रिसर्च की है और जो उसने इन्वेंट की है वो यहाँ पे बताया। ओके, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।